अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन सियासी माहौल गर्म है, वहीं पे हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना अपने उरूज पर है, कोरोना की वबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट आज दिया कि लॉकडाउन ना करने पर तनकीद करने वाली ऑपोजिशन आज जलसे कर रही है। ये बात कोई हवा में नहीं की गई या ये बात कोई एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यकीनी तौर पे। क्योंकि हम भी यही सवाल कर रहे हैं आज को ऑपोजिशन से, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सवाल होता है, क्योंकि उनकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर, कि जहाँ आप तनकीद करते हैं कि SOPs अगर फॉलो ना हो, जहाँ आप तनकीद करते थे वफाकी हुकूमत के ऊपर कि SOPs फॉलो नहीं करा सकी वो भरपूर तरीके से, जैसे कि होना चाहिए था फर्स्ट स्पाइक में, वहीं इस वक्त आप लोग जिस तरह SOPs की वायलेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये समझ रहे हैं कि जी किसी ना किसी तौर से हम अपने बयानिए में कामयाब हो जाएंगे, तो हाउ फार इट इज़ पॉसिबल। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बिलावल साहब आज ये कह रहे थे कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तीफों समेत तमाम जमहूरी ऑप्शंस पर जो गौर किया जाएगा और वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं। सो वो कौन से मजीद जमहूरी ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर इतनी सारी सीटों पे इस्तीफे आते हैं तो उसके बाद अगेन ये भी सवाल होता है कि बाय इलेक्शन किस तरह होंगे, बाय इलेक्शन के लिए किस तरह जाया जाएगा, और ये इस्तीफे लेने का मामला शुरू हुआ था जहाँ से, अब इस्तीफे दे मामले पर आकर रुक गया है। यानी कि वो अपोजिशन जो ये कहती आई थी कि हम इस्तीफे लेंगे, हमने 3 इस्तीफे मांगे हैं, हम 3 इस्तीफों की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कल भी जो ज़रा इंटरनली बताए थे कि उन्होंने कहा है, तो अब सवाल यही उठता है कि जो इस्तीफे लेने की बात करते थे वो इस्तीफे दे रहे हैं। सो आखिरकार ये रोलिंग अप मैटर कहाँ तक पहुँच गया और हुआ क्या, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पर्टेनेंट क्वेश्चन अगैन, जिसके ऊपर हम बात आज करेंगे। साथ हमने ये भी देखा कि जी नून लीगी अरकान असम्बली ने आज इस्तीफे पार्टी को जमा करा दिए, जिसमें उस्मा बुखारी साहिबा भी शामिल हैं, और पंजाब असम्बली में हमने देखा पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो हैं उन्होंने पंजाबी जबान में इस्तीफ़ा दिया, सैयद हसन मुर्तज़ा ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसे वक्त में जब आम आदमी भूख से मर रहा है तो ऐसे में हमारा असम्बलियों में आराम से बैठना बेकार है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जी शहबाज शरीफ की अहलिया की अंदरूनी और बैरूनी मुल्क तमाम जायदाद जब्त करने का जो है वो अदालत ने हुक्म दे दिया है, और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक नुसरत शहबाज को इश्तिहारी भी करार दिया है और उनकी गिरफ्तारी तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग अगेन, इसके ऊपर मैं बात करूंगी और आज के पैनल की तरफ जाती हूँ जी। मुझे सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं जी, उनकी तरफ मैं जाऊंगी और देन उनसे बात करूंगी और फिर मजीद भी मैं जाऊंगी फ़ोन पर भी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं जी स्टूडियो के अंदर मोहम्मद शबीर साहब हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग आज। साथ ही बैठे हैं जी वीर जी कोहली साहब हैं, मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के, आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग आज। साथ ही बैठे हैं जी, साथ होंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे खेलदास कोस्तानी साहब हैं MNA मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया खेलदास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। खेलदास साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया खेलदास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं शबीर साहब की तरफ जाऊंगी। शबीर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हुकूमत अगर इस्तीफे दे, ऑपोजिशन अगर इस्तीफे दे रही है हुकूमत को कोई डर नहीं है, हुकूमत जो है वो इलेक्शन करा सकती है, बाय इलेक्शन किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन आज दूसरी तरफ फयाज चौहान साहब क्या कह गए, 2018 के इंतखाबात के ऊपर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 10 से 12 सीटें RTS की वजह से हम हार गए, तो ये आज उन्होंने एक नई बात कर दी, खुद नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, और जहां पर अगर आप लोग डरे हुए नहीं हैं, सहमे हुए नहीं हैं, ऑपोजिशन से बौखलाए नहीं हैं जो ऑपोजिशन कह रही है, फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स बार बार क्यों दिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो रिजा साहब आपने कुछ सवाल के जवाब खुद दिए कि ये अपोजिशन जो लॉकडाउन कर रही थी, और आज हम सिंध में देखते हैं कि जगह जगह लॉकडाउन है, शादी हालों पे पाबंदी है, हर चीज़ पे पाबंदी है, लेकिन ये जो है किस वहम के अंदर ये अपोजिशन की मोमेंट चला रहे हैं, जबकि पूरी कौम पूरी दुनिया जो है एक लपेट में आई हुई है कोरोना के, लेकिन ये जब अच्छा कोरोना का एतराफ़ इस तरह भी करते, जब इनकी बेटी की मंगनी होती है तो वहाँ उन्होंने SOPs बनाई होती है
कि जनाब के जो भी आएगा वो कोरोना टेस्ट कर कर आएगा, कोरोना टेस्ट की बगैर 50 अफराद की गैदरिंग के अंदर इन्होंने पूरी SOPs बनाई, लेकिन इनके लिए आवाम की जानो माल की कोई हैसियत नहीं है। आज ये जलते जुलूसे करें सिर्फ और सिर्फ ज़ाती तशखीस के लिए, ज़ाती अना के लिए कि अच्छा होना कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र कुछ भी नहीं होना, ये कर चुके हैं। इससे पहले भी तहरीकें चल चुकी हैं वक्त पर, इससे पहले हम भी तहरीक चला चुके हैं, ठीक ना, हम भी जो है इनसे ज़्यादा धरने हम दे चुके और धरनों से कुछ नहीं होता ना। तो वक्त इंशाल्लाह ताला हमें 5 साल हम पूरे करेंगे, ये कुछ भी शोर मचाते रहे, ये बल्कि अगर रिज़ाइन देंगे तो हम अपनी जो है आज भी हमारी मीटिंग थी, हम जो है वो अपने कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं, ये रिज़ाइन दें हम इलेक्शन लड़ेंगे और बाकायदा लड़ेंगे, बल्कि ये तो अल्लाह का करम होगा कि अच्छा है कि रिज़ाइन मांगने वाले रिज़ाइन देने जा रहे हैं और ये खुद ही जो है अपनी वो ना लो अपने दाम में से याद आ गया, तो ये खुद अपने दाम में आ रहे हैं, आवाम इनको वैसे ही मुस्तरद कर चुकी हैं, इनको मालूम है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खुद ही घर जाएं तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे और इनके बगैर भी गवर्नमेंट चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा ठीक है, दुनिया देखेगी चलें कैसे चलेगी, इस पर तो मैं बात करूंगी क्योंकि आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया है वो माजी की हुकूमत में मंजूर किए गए थे, मैं उस पर भी थोड़ी सी अभी बात करती हूँ। बट बिफोर गोइंग ऑन इट, मूविंग टूवर्ड्स वीर जी कोहली साहब ये बताइएगा कि आज भी आप लोग इस्तीफे देते रहे, कल से इस्तीफे देने का ये दौरा शुरू हुआ हुआ है अपोजिशन का, लेकिन समझ में नहीं आती एक बात जो कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी की, जो कि पर्टिनेंट बात भी है कि लॉकडाउन ना करने पर तो आप लोग बड़ी तनकीद करते थे कि जी लॉकडाउन नहीं किया, फर्स्ट स्पाइक आ गई, लोग मर रहे हैं और हमें जो है वो मईशत नहीं चाहिए, हमें कारोबार नहीं चाहिए, हमें जिंदगियां चाहिए। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुराद अली शाह साहब हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को ये बताते थे कि कोरोना कितना खतरनाक है और वो कितने सिंसियर और लॉयल हैं लोगों के लिए और कितने कंसर्न और कॉशियस हैं। ये सारे वर्ड्स मैं पर्टिकुलरली यूज कर रही हूँ इसलिए कि यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब आप ये बताइए कि इस सेकेंड स्पाइक में जो कि मजीद खतरनाक है, जो कि पूरी दुनिया में बताया गया, माहरीन ने कहा कि जी दूसरी स्पाइक तो फर्स्ट स्पाइक से ज्यादा खतरनाक होगी और उसमें लोगों के चांसेस बचने के बहुत कम होंगे, ऐसी सिचुएशन में आप लोग धरने कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, चेयरमैन साहब को खुद आपके कोरोना हो गया, सीएम साहब को खुद आपके कोरोना हो गया, तो वो पॉलिसी जो सीएम साहब की थी, हु वुड गोना कंटिन्यू एंड कैरी ऑन दैट पॉलिसी? आप मामले खुसूसी हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रिदा साहबा। मसला ये है कि जब नया नया ये कोरोना आया था तो सबसे पहले वो सिंध गवर्नमेंट ही थी और सीएम सिंध ही थे जिन्होंने पूरा एक टेम्पो कायम किया था, पूरा लोगों को एक वो वाला SOP लॉकडाउन पूरा एक, तो वो उस वक्त एक माहौल बना दिया था कि वो कहीं भी कोविड हो रहा था तो लोग SOPs पे अमल कर रहे थे, लोग जो है मोहतात हो गए थे, घरों तक मेल धो रहे थे। उसको किसने वो टेम्पो तोड़ा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मामूली नजला है, और वो उस वक्त कह रहे थे जब इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम साहब कह रहे थे ये कुछ भी नहीं है, ये तो मामूली नजला है, इससे कुछ नहीं होता, इससे हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और फिर भाई गुजरा आकर कह रहे थे कि ये COVID-19 इसलिए 19 है कि इसकी 19 किस्में हैं और सबसे कमजोर वाली किस्म जो है वो पाकिस्तान में आई है, तो उसकी वजह से कुछ नहीं करना, तो वो जो टेम्पो था वो टूट गया। अब उसके बाद आते हैं कि अगर ये सीरियस है, उस वक्त तो सीरियस नहीं थे क्योंकि अपोजिशन मुतहरक नहीं थी, अब अपोजिशन मुतहरक आ गई है तो इनको सीरियस होना है, लेकिन अब भी सीरियस नहीं है। पिशावर में 5 लोग तड़प तड़प के कोरोना के पेशेंट इसलिए मर गए कि ऑक्सीजन, 7 लोग उस इसलिए कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ये संजीदा हैं तो वहां पर सारा कुछ इन्होंने किया होता, नंबर वन। नंबर दो कि इन्होंने कोरोना के अपोजिशन के डर से जब कोरोना के पीछे छुपे हैं, तो गुजरांवाला का जो जलसा हुआ था 17/10/2020 को, 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को उन्होंने केस दाखिल किया, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस इस्तेमाल किए, FIR कटी, लोग गिरफ्तार हुए, क्यों? कि आप SOPs पे अमल नहीं करते, ठीक है। ये कब हुआ? 17 अक्टूबर को। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने, चलो अपोजिशन तो अपोजिशन है ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट डिसिप्लिन के अंदर चलना है, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा गिलगित इलेक्शन चला, पूरी कैंपेन चली, वहां पर इजतमा हुए, जलसे हुए, सारा कुछ हुआ, पूरे उसमें वहां के वज़रा सारे शामिल थे, उसमें वज़ीर आज़म खुद शामिल थे। उसके बाद पिंडी में PTI का जलसा हुआ, उसके बाद पिंडी में 2 धरने हुए, उसके बाद जो है वो सखर में यूथ कन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो जमायत इस्लामी का वहां प्रोग्राम हुआ,
उसके बाद जो है वो जो शेख रशीद जो चैंपियन है इनके, वो उनके भतीजा जो है राशिद शफीक, उन्होंने पिंडी में सरेआम जलसा किया, किसी एसओपी से, मतलब वीडियो आप देख लें, फोटो उठा के देख लें, क्या वो खुद जो स्पीच लीड कर रहा है उसने क्या मास्क पहना हुआ था, मुझे बताएं। चलो ये सारे गवर्नमेंट को नहीं मान रहे थे, खुद वजीर आजम उस पर अमल नहीं कर रहे थे, तो क्या उन सब पर एक सिंगल एफआईआर कटी है? कोई सिंगल उनके खिलाफ कोई एसओपी के कोई इस तरह का जिस तरह उन्होंने किया है? लेकिन अपोजिशन ने 3 जलसे किए और पहले गुजरांवाला था उस पर एफआईआर कटी, लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर मुल्तान में एफआईआर कटी, लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद मरीम नवाज के खिलाफ एफआईआर कटी, अब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन हो सकता है हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये अगर आप कोरोना के लिए सीरियस हैं, तो फिर अगर सीरियस होते तो आप ये वजीर आजम को ये सबसे पहले काम करना था कि वो चारों सूबों के जो वज़ीरे आला है उनको बुलाते, बैठ के कहते कि भाई ये देखो ये चीजें हैं, उनको एतमाद में लेते, कोई कोरोना का मामला नहीं है, कुछ मामला, ये सारा कोरोना जो है वो अपोजिशन की डर की वजह से कोरोना के पीछे छुपने को छुपा जा रहा है, ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम कहते हैं कि एसओपीज पे अमल करें, हम कहते हैं कि लॉकडाउन करें, हम कहते हैं कि ये जो डिसिप्लिन उसके अंदर रहे, मास्क पहने, लेकिन उसके साथ और कहते हैं सीएम साहब कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? मतलब क्या क्या कह रहे हैं कोरोना के हवाले से? जो आके कोरोना बढ़ गया है वो कह रहे हैं बढ़ गया है, हम तो कह रहा हूं ना, मैं कह तो रहा हूं हम तो कह रहे हैं कि एसओपीज पे अमल करें, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही ना। जैसे मैं एसओपी पे अमल हो सकता है क्या? जल से मैं एसओपी पे अमल हो सकता है, सिर्फ ये बता दें मुझे। क्यों नहीं हो सकता? हमने वहां पर भी मुल्तान में जब हुआ था वहां पर लोग खड़े, आप अगर जो गए उनको, मैं तो होकर गया हूं, वहां पर हमने लोग खड़े किए थे रास्ते पे। कितने फुट का फासला होता है पर्सन टू पर्सन? मास्क हमने बांटे थे वहां पे, अगर जो 50 मैंने आपको गिनवाए गवर्नमेंट के जलसे, अगर उसमें कोरोना फैलता है वहां नहीं फैलता। मतलब कोरोना इतना समझदार अब हो गया है कि वो बाहर आकर खड़ा होकर देखता है कि बैनर किसका लगा हुआ, अगर गवर्नमेंट का बैनर है तो फिर वहां से वापस चला जाता है, और अगर अपोजिशन का है अटैक कर देता है। तो ये बड़ा समझदार कोरोना जो है, ये समझदार कोरोना किस तरह हो गया जो पहले समझदार नहीं था? तो ये मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस तरह करती है तो सबसे पहले, अब अगर ये अब कोरोना के पीछे छुपते हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने 50 जो प्रोग्राम किए हैं ना उन पर एफआईआर काटे, उनको गिरफ्तार करें, इसलिए हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। अच्छा चले, मुझे जरा खेलदास साहब की तरफ जाने दें। खेलदास साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। खेलदास साहब ये बताएं कि एक तरफ तो आप लोग अपोजिशन के इस्तीफे जा रहे हैं सारे मौलाना फजल रहमान साहब के पास, एंड देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स द स्पीकर एज वेल। आप एक मेंबर कौमी असेंबली हैं, फजल रहमान साहब का कोई स्टेक नहीं है इस वक्त, मेंबर कौमी असेंबली नहीं है वो, और ठीक है कि पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था शख्स जो कि कौमी असेंबली का मेंबर होता, जिसका स्टेक होता, जो इस्तीफे जमा करा कर जो है वो फिर पहुंचाता? और दूसरा ये बताएं कि क्या पीडीएम में इस बात पे इतफाक हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इस्तीफे दे रही है तो वो सूबाई हुकूमत जो है उससे भी हाथ धोना पड़े तो पड़े तो फिर वो भी वहाँ से भी इस्तीफे देगी, सिंध हुकूमत भी इस्तीफे देगी, या फिर कौमी असेंबली और सेनेट से ही इस्तीफे देने की अभी बात सामने आई है? देखें, जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी उसकी मेजबान थी, तब भी कायद नवाज शरीफ साहब जो कायद है पीएमएलएन के, उन्होंने कहा था इस्तीफाओं की बात कर दी थी। तो ये हमारा पीएमएलएन ने तो फैसला कर लिया था। जो बात आप कह रही कि मौलाना फजल रहमान, तो मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पीडीएम के सरबराह है, तो वो हमारे मतलब तमाम पार्टियों के साथ के सरबराह है। दूसरी बात जो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, तो मैं आपको बताऊं जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन ये 26 नुकात लिखे गए थे, उसमें इस्तीफा का नुक्ता भी शामिल था। तो ये बात सवाल करना कि पीपल्स पार्टी सिंध से देगी नहीं देगी, तो मैं समझता हूँ इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो जब 26 नुकात शामिल है तो उसमें इस्तीफाएं शामिल है। और कल भी जो सरबराह इजलास हुआ था उसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे जब मौलाना साहब बात कर रहे थे। हाँ, ये बात हो सकती है कि बिलावल साहब या कोई भी पार्टी अपने कोई सीसी का इजलास बुलाए या कोई बात करे कोई अपनी पार्टी से। इस तरह हमारा पार्टी का सीसी में ये फैसला हो चुका था, फिर मियां साहब ने वहाँ बात की, तो इस तरह बात ये हो सकती है। बाकी इसमें
दो राय नहीं कि पीजीएम में कोई किसी बात पे नहीं कथा कलामी माफी खेलदा साहब कथा कलामी माफी आपने कहा इसकी अहमियत नहीं है। अहमियत क्यों नहीं है? सूबे में उनकी हुकूमत है, अगर वो यहाँ इस्तीफे देते हैं 99 उनके एमपीएस हैं तो इट मींस कि उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। कि आर दे रेडी फॉर इट विद यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इख्तदार के लिए नहीं बैठी हुई, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी नहीं। मुझे यस और नो में जवाब दे देना खिल्ला साहब, वो फिर वही वाली बात है ना, इधर-उधर घूम जाते हैं। आर दे रेडी फॉर दिस सैक्रिफाइस विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडीएम? बिल्कुल, वो इत्तेफाक राय से हमारा फैसला हुआ है और इत्तेफाक राय से होगा और सिंध असेंबली से भी जब जरूरत पड़ेगी, जब पीडीएम की कयादत फैसला करेगी। अभी इस्तीफाए 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक पार्टी की लीडरशिप में जमा करवानी है, उसके बाद पीडीएम की कयादत फैसला करेगी कब जरूरत है, कहाँ पे जरूरत है, किस तरह। वो स्ट्रेटेजी पीडीएम की कयादत के दरमियान है जो जिसमें तमाम पार्टियों के सरबराह मौजूद है। तो ये बात आप, इसका सवाल नहीं बनता कि पीडीएम नहीं थी। अगर ये नुकता अगर शामिल नहीं होता तो आपका सवाल होता बनता कि पीपल्स पार्टी सिंध से देगी नहीं देगी। अच्छा खेलदा साहब, चलिए एक चीज और भी बताइएगा, एक चीज और भी बताएं कि सवाल है ये कि मैंने जैसे कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेक का मतलब ये कि वो अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी अल्टीमेटली स्पीकर है जिन्होंने आपके इस्तीफे एक्सेप्ट करने, तो आप लोग डायरेक्टली स्पीकर क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे अगर इस्तीफे ही देने और एक्सेप्ट कराने? बड़ा आपका सवाल ठीक है। बात ये कि पीडीएम की कयादत ने ये फैसला किया है कि आप अपनी जो इस्तीफा है वो अपने लीडरशिप के पास भेजे, जो स्पीकर के नाम से रिजाइन है हमने वो भेजी है, मैंने भी आज रवाना कर दी अपने लीडरशिप का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हमारे जी मुझे मालूम है आपने भी दे दिया है जी, ठीक है ना, तो हाँ। हमने वो भेजी अब वो लेकिन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी तो नहीं है ना आपके लीडरान, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी तो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली है ना इस वक्त। जिस वक्त पीडीएम की कयादत फैसला करेगी कि ये इस्तीफा अब स्पीकर को पहुंचाई जाए, उसी दिन उसी डेट पे पहुंच भी जाएगी और हम सब जो भी मेंबरान है जो इस्तीफा देने वाले हैं वो खुद भी अगर जरूरत पड़ी तो हाजिर भी होंगे। तो ये फैसला मुझे नहीं करना, मेरा काम था, मेरी एक अमानत है पार्टी की लीडरशिप की, पीएमएलएन की। मुझे मैंने जब देखा कि इस मुल्क में सिविल बालादस्ती की कोई मतलब जो बेतौकी हो रही है, जितना वोट की इज्जत की बेतौकी हो रही है, जितना लॉकडाउन लगा हुआ है इस पार्लियामेंट को, जितना पीटीआई की गवर्नमेंट ने इस पार्लियामेंट के साथ किया है, खेलदा साहब एक मिनट, खेलदा साहब कतक कलामी माफी अगेन, मैं आपसे ये कह रही हूँ आपने कहा कि मुझे नहीं फैसला करना, लीडरशिप को दे दिया, बात ये है कि आपने लीडरशिप से तो पूछा होगा ना, क्योंकि देखें आप कोई मॉन्स्टर के तो बच्चे नहीं है ना कि लीडरशिप जो भी कहेगी आप वो करेंगे। अल्टीमेटली आपने ये तो फैसला सोचना है ना, ये तो आपको पता है मेंबर जब कौमी असेंबली बनते हैं तो आपको पता है इस्तीफे अथॉरिटी एक्सेप्ट करने की, या फिर सूबाई मेंबर भी अगर हैं तो वो तो स्पीकर है अल्टीमेटली, तो जब तक आप लोग स्पीकर साहब को नहीं देंगे वो एक्सेप्ट करने या ना करने की तो अथॉरिटी फाइनल वो है, आप लोग अपने लीडरान को दे रहे हैं, दैट्स ओके फाइन विद इट के वो जा सकता है, बट द पॉइंट इज के फाइनल अथॉरिटी तो आपने अपनी लीडरशिप से पूछा है कि आप लोग देंगे कब उधार या क्या होगा। टेक्निकली बात आप ठीक कर रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो टिकट दिया, मुझे एमएलए बनाया, वो नवाज शरीफ ने बनाया, पीएमएलएन ने बनाया, स्पीकर ने नहीं बनाया। सर वो तो आपको आवाम ने बनाया है सर, आवाम बनाती है, आवाम के वोटों से आता है इनको, रिजर्व सीट हां आवाम के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। वो एक जनरल बात कर रही है, पाकिस्तान के आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे आज हुकूमत से, इस पार्लियामेंट में उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये जो हुक्मरान सिलेक्टेड यहाँ बिठाए गए हैं जिससे उनके वोट को चुराया गया, आवाम के वोट को चुराया गया, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये अब ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये मुल्क नहीं चल सकता, ये आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो यही वजह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस दिन पीडीएम की कयादत फैसला करेगी वो इस्तीफाएं सारी जो कयादत के पास पड़ी है वो स्पीकर के साथ पास जाएगी और वहां पे ही रिजाइन होगी। टेक्निकली आप बात ठीक है, मगर ये मुझे फैसला नहीं कि ये मेरी लीडरशिप को फैसला करना है, उनकी इमानत थी मैंने उनको दे दी। अच्छा ठीक है शब्बीर साहब, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप ने जो कहा है उन्होंने इसको मनोअन तस्लीम करके सारे तस्लीम खम किया है, लीडरशिप को अपने अपने इस्तीफे जमा करा दिए। अब सवाल ये है कि वो करा रहे हैं और 31 को वो जैसे कि बात हो रही है कि जी स्पीकर के पास जमा भी हो जाएंगे, जो कि इस वक्त तक अभी यही आगे का इनका लायमल है। सो अब आप ये बताइए कि इतनी सारी सीटों पर आप लोग कैसे कराएंगे बाय इलेक्शन, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपको सारी चीजें चाहिए और फिर इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है वो अनाउंस करेगा, तो क्या 150 से ज्यादा सीट्स बताई जा रही हैं कि टोटल बनेंगी ये, तो इस पे कितने किस तरह से होगा, कैसे मैनेज करेंगे? क्या अभी आप लोग नहीं समझते कि ऑपोजिशन से कोई बात, अभी भी देयर इज सम वे टू गेट अप विद द ऑपोजिशन ऑन अ प्लेटफॉर्म के जी कर ली जाए उनसे बात? बिल्कुल,
ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये जो इस्तीफे की जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब है, वो जब इलेक्शन में हारे तो उन्होंने फर्स्ट डे एक नारा लगाएगा तमाम सियासी जमातें जो रिजाइन दें, ये उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कहा, नून लीग को भी कहा, किसी ने मशवरा नहीं किया। अब क्योंकि लामाला वो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी रैलियाँ निकाल कर तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं इनकी उनको थोड़ा सा अपना अंडर प्रेशर ले लिया कि इस वक्त पावरफुल मैं हूँ, तो उनके अपने ख्वाब है। मैं नहीं समझता है कि रिजाइन देंगे, रिजाइन देंगे बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि रिजाइन दें, लेकिन ये रिजाइन देने की सियासत जो है वो आज तक चली नहीं है। सिर्फ लोगों ने इससे पहले भी एमक्यू में रिज़ाइन दिए थे और रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गए थे, किराए सिंध में इलेक्शन भी हुए थे, तो ये सब चीज़ें हम इसके लिए देने को तैयार हैं कि दें रिज़ाइन, रिज़ाइन दें वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन रिज़ाइन देते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जो रिज़ाइन जमा हुआ रिजर्व सीट के, ये हमारे खेलदार साहब भी रिजर्व सीट के पर्सनली जो फील्ड के लोग हैं इनके अभी कोई रिज़ाइन देने नहीं आया, और रिज़ाइन देने का जो रूल है वो इसको फिजिकली स्पीकर के सामने जाना है। अच्छा ये पीपल्स पार्टी इनके साथ भी लगता है गेम खेलेगी, क्योंकि यहाँ से असेंबली में अब ये समझ नहीं आएगा टेक्निकल के जनाब जो नहीं, यहाँ तो अभी तक इन्होंने इस्तीफे देना शुरू नहीं किए ना, सुनो हाँ, हाँ, बात तो कर रहे हैं ना हाँ, लेकिन किस तरह देंगे हाँ, आगत सराज दौरानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है हाँ, वो किसको रिजाइन देंगे हाँ, पहले वो रिजाइन देंगे या वो गवर्नर को देंगे, मतलब पहले तो ये थे कि ना हम तो चाहते हैं कि अब वो बना रूट में बना ले कि रिजाइन देना शुरू करें, लेकिन सिंध में जो रिजाइन होंगे वो किस तरह होंगे, स्पीकर इनका पीपल्स पार्टी का है हाँ। तो आया वो रिजाइन शुदा स्पीकर को रिजाइन देंगे हाँ। या गवर्नर को, पहले पीपल्स पार्टी ये जहन तो बनाए ना तो सी रिजाइन दे रहे हैं, रिजाइन दें तो हम तो चाहते हैं रिजाइन दें, अच्छा इन करप्ट लोगों से जान छूटे इंशाल्लाह आवाम दोबारा हाँ, लेकिन आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ जलसे की इजाजत दे देते हैं, फिर मीनारे पाकिस्तान पे पानी छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो FIR कट रही है सबके ऊपर, जो लाहौर की इस वक्त लीडरशिप है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, सो ये डोल टैक्टिक्स आपके अच्छा, भी ये नहीं FIR है? अभी की नहीं कटी है जनाब, ये आकर देखें पुरानी FIR है इनकी, ये बचपन में कटवा कर आए थे FIR, देखें पीपल्स पार्टी पर इतनी बचपन में कटवा कर आए थे, पिछले साल कटवा कर आए थे पीपल्स पार्टी पर, यार जरदारी साहब पर जो केसेस बने हमने तो नहीं बनाए ना, पुराने बने हुए नहीं, ये पुरानी क्या बात कर रहे हैं, ये FIR अभी कटी है इस हफ्ते में सारी, देखें पुरानी होती है 73 में कटी, मैं आपको भी बता दूंगा पुरानी नहीं कटी, पुरानी कटी होती है, पुराने थानों में होती है, ये कर लेते हैं अपना सियासी बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं अपने FIR छुपा लेते हैं, कभी कभार बहुत मज़ेका खेज बातें लगती है बहुत सारी हमारे मेहमानों की। मैं शबीर भाई मुझे जाना है ब्रेक पे, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ भाई। ये FIR कब की कटी है, बचपन की कटी हुई है क्या, पुराने कितने सालों पहले की कटी हुई है, क़याम पाकिस्तान की कटी हुई है, कब की कटी है, समझ से बाल तर में आई एम मूविंग टुवर्ड्स द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप वेलकम बैक नाजरीन, शबीर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना था उस वक्त जी। मतलब ये कि कोई केसेस ही बने, केसेस पुराने होते हैं बाद नहीं, ये FIR कटी है ना शबीर भाई, सुने 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 मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, ना मालूम FIR होती है, ना मालूम नहीं SOPs के खिलाफ वर्जी पे काटी है पंजाब, देखें ये आज की नहीं कटी हाँ। ये मैंने 2 महीने पहले कटी होती है, अभी की नहीं होती, लेकिन जब जो गवाह कोरोना की SOPs की पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन वो तो अभी की काटेगा ना, अगर SOPs की हाँ। देखें अगर जो SOPs की मुखालफत करेगा हाँ। या उसके लिए जो गैर कानूनी काम करेगा तो लामाला कटना चाहिए ना, ये तो एग्जाम तो होना चाहिए ना, एग्जामिशन के एग्जाम्पल के जनाब जो भी करेगा, अगर हमारा बंदा भी करेगा SOP की, आपको याद है एक राणा सनाउल्ला वाला केस जो हुआ था, ठीक है ना, वो आफरीदी साहब शरार आफरीदी भाई कहा क्या क्या खड़े होके कहा क्या क्या नहीं कहते थे कि जवाब अल्लाह को देना है, और वो सारे सूरते सुना देते थे हमें, ठीक है, और वो कुरान नाजरा पढ़ाना शुरू हो जाते थे असेंबली में भी सबको, अब और टीवी चैनल्स में भी, तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से वो कहते थे सारी चीजें कि जी ये तो असल केस है और सारा मामला है। तो आप ये बताएं अभी आप लोग फिर ये बातें करते जी लीगल टर्म्स में जाएंगे करें वो करें, फिर सबूत कुछ होता नहीं है, फिर वो वापस आ जाते हैं, बातें बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसी तरह करप्शन की भी बातें आपने की, कहाँ है वो लूटे हुए कौम से जो पैसा था, कहाँ है वो 200 अरब,
वो जो 100 अरब मुंह पे मारने थे, 100 अरब IMF को देने थे, अब वजीर आजम साहब ये हालत हो गई है कि कल जब सहाफियों से बात कर रहे थे तो वो ये फरमा रहे थे कि जी हमने जो है वो गलती की, IMF में लेट गए, हमें जल्दी जाना चाहिए था क्योंकि हम IMF के अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। फिर गर्दिशी कर्जों पर खास तौर पर तवानाई के जिस रोज ये खबर आई कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बात कही कि जी हम SMEs को यानी कि स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो SMEs है सारी उनको हम जी बिजली 50% देंगे प्राइस पे और 50% उनको फ्री देंगे, उसी दिन IMF ने ये बात की कि जी गर्दिशी कर्जे जो तवानाई के हैं अगर आपने वो 1000 अरब से कम किए और आपने वो 1000 अरब रुपए हमें वापस किए तो हम नेक्स्ट आपसे बात करेंगे IMF के प्लान के लिए, वरना नहीं कहेंगे। ये खबर हमने की और मेरे ख्याल से शायद हमने ही वाहिद वो खबर की है। दूसरी तरफ एक आपके पसंदीदा एंकर वो अपने चैनल पे खबर कर रहे थे, आपके पसंदीदा सहाफी, और वो उसको अपने रूप में जो है वो दे रहे थे और पॉजिटिव करके बता रहे थे जैसे वो अच्छी खबर हो, जबकि वो अच्छी खबर नहीं थी, आवाम को धोखा दिया जा रहा था उस दिन। सो आप मुझे ये बताइए कि ये बातें सिर्फ करते रहेंगे आप लोग या कुछ अमलन भी कोई चीज है, प्रैक्टिकल कुछ है फील्ड में या बस प्रैक्टिकल है? देखिए डॉलर नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, डॉलर भी नीचे आ रहा है, हर चीज पे कंट्रोल होना शुरू हो गया। आपके जो है तिजारती खसारे जो 2018 के अंदर 21 अरब से ज़्यादा थे, आज 5.5 अरब पर रह गई, ठीक ना। आपके जो है वो जो ज़खायर हैं पाकिस्तान ने वो जो बिल्कुल आप ख़त्म थे, आज आप अल्लाह का शुक्र है 21 अरब के करीब आ गए आपके ज़खायर। तो ये तो पॉजिटिव हम जा रहे हैं ना। तो अच्छा दुनिया भर में इस आपकी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट वो रूल कर रही है बल्कि आगे बढ़ रही है, एशिया में सबसे नंबर 1 नंबर 2 ग्रेड उस पर आ गई। तो ये हमारी इकोनॉमी पॉलिसी है या इकोनॉमी जदोजहद खान साहब की कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द देखें, बहुत जल्द इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं खान साहब और जिस तरह वो लगे हुए बिल्कुल उन्होंने अपने तमाम जो अखराजा थे प्राइम मिनिस्टर के, आप पुराने प्राइम मिनिस्टर के अखराजा देखें जब मुल्क से बाहर जाते थे मुल्क का पैसा किस तरह बेदर्गी से खर्च करते थे, इमरान खान साहब ने आज भी कहीं जाते हैं तो वो आम होटल में जाते बल्कि कोशिश करते हैं कि VIP होटल में ना ठहरे। तो पाकिस्तान के जखाए जो आप खर्चे आप पुराने देखें पुराने उस वक्त भी IMF के पास जा रहे थे अभी भी IMF के पास जा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हमने अपने जाती शाहाना जो शाहाना तर्ज अमल था जो पुराने वजीर आजम था और जो हमारे जैसे लोग होते हम तो समझते थे कि PTI जो तैयारी और सब बताती है तो हम शायद तुर्की की तरह हो जाएंगे कि जी जब वहां रजब तैयब एर्दोगान साहब आए तो उन्होंने 2002 के बाद जब आगे सफर चला उनका तो उन्होंने IMF का सारा कर्जा माफ करा के उनको वापस करके जो भी करना कराना था देना दिलाना वो खत्म किया और IMF के कर्जे नहीं आज उन पे। मुझे लगा था पाकिस्तान शायद वैसे कुछ होने जा रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान वैसे ही होगा, पाकिस्तान वैसे ही होगा और पाकिस्तान उसी तरह होगा। देखे देखें हमारे तो वहां के लोगों ने इतने पाकिस्तान और तुर्की पे कर्जे नहीं छोड़े थे जितने हमारे इन सियासतदानों ने छोड़े, इन लोगों ने जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने इस मुल्क को मैंने कहा ना कि तिजारती खसारे आप पहले कितने थे 2018 में आप देख लें आज आप कितने आप तिजारती खसारे आपके 19 अरब समथिंग थे ना आज 5.5 अरब पर रह गए GDP बताए मुझे उस पर भी इसी तरह पाकिस्तानी जखायर है पाकिस्तान के जो है आपको कर्जा देने में जो है हमेशा दुश्वारी होती थी आज फर्स्ट टाइम आपने जो जुलाई में फर्स्ट टर्म मैंने होता ये था कि आप जब डेट आगे बढ़ाते डेट एक्सटेंड करते थे डेट पे आपको सूट तो देना होता था हमने फर्स्ट टाइम पर दिए तो ये हम पहली दफा कर रहे हैं ना ये सब ये इससे पहले कभी नहीं हुआ इससे पहले कभी पाकिस्तान के जखायर में पैसा नहीं आया। अच्छा इसी तरह डॉलर कभी भी किसी गवर्नमेंट ऊपर जाकर नीचे नहीं आया अब नीचे आना शुरू हो गया डॉलर नीचे आ रहा है ना तो जिस तरह आपके जखायर बढ़ते रहेंगे आपके डॉलर इंशाल्लाह नीचे आएगा महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। चले वीर जी कोहली साहब ये बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि हम बहुत नहीं देखो सबसे पहले तो ये कि हम बात अच्छी करें बुरी करें हमारे हक की करें या हमारे अगेंस्ट करें जो भी करें लेकिन कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन सही दें लोगों को मिसगाइड ना करें लोगों को गुमराह ना करें। मेरा भाई MP है माशाल्लाह लेकिन इनको असेंबली के जो रूल्स हैं उनका पता नहीं इनको आईनी तरीकेकार का पता नहीं। अब जिस तरह ये बैठ के मैं अभी बात कर रहा हूँ ना आपने कर लिया मुझे अब मेरा बारी है मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह अब मुझे पसंद लग रहा है मैं आपका जवाब दे रहा हूँ परसों नहीं कह रहा हूँ नहीं परसों की बात नहीं हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि असेंबली स्पीकर किसको देगा, सिराज दुरानी किसको देगा, ये क्या बात है? ये आईन और कानून के अंदर वाज़ह लिखा हुआ है। आप जिस तरह हमारी मेरी पार्टी का स्पीकर है, बड़ा सीनियर बंदा है, वो इससे पहले भी स्पीकर रहा है, मैं आपको बताऊं स्पीकर क्या, असेंबली का तरीकेकार क्या होता है। जब असेंबली खत्म हो जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, फिर भी स्पीकर रहता है, वो तब तक स्पीकर रहता है जब तक दूसरा स्पीकर नहीं आता। जब दूसरा स्पीकर आएगा उसको वो ओथ देगा, उसके बाद असेंबली से जाएगा। असेंबली का और उसके गवर्नर से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात मैं आता हूं कि ये देखें, अगर जिस तरह ये कहते हैं, हर बात पे कहते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो आप मुझे बताएं कि आपकी वो टीम कहां है जिसको वजीर आजम कहते थे कि इतनी मिसाली टीम है हमारे पास कि जैसे हम टेक ओवर करेंगे तो दुनिया हमसे मिसाल लेगी। हमारे पास एक 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 से एक बढ़कर वो टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। और आपका बयान ये था, वजीर आजम साहब कहते थे इस अपना तकरीर में कि यहां पर रोजाना 10 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग होती है और 10 अरब रुपए चोरी होते हैं। तो मुझे बताया 10 अरब को छोड़ दें, कोई 10 लाख रोजाना के बचा के 2.5 साल में जो जितनी बचत हुई है, जो आपने बचाए हैं वो कितने हैं, कम से कम उस पे आप सॉरी। दूसरा ये कि जो टीवी पे बैठ के गलत बयानी करते हैं, ऐसा ना करें। आप टीवी पे बैठ के कभी कहते हैं, एक वफाकी वजीर कहता है कुलभूषण यादव तो चला गया, अब भाई कहां चला गया? अब कोई बैठ के कहता है कि ये तो सारे पुराने केस है, रोजाना केस ला के मैं आपको डिटेल बता सकता हूं और तारीख बता सकता हूं और थाने बता सकता हूं कौन कौन से थाने पर कौन कौन सी तारीख पे केस दाखिल हुए हैं। और 50 दाखिल, 3 अपोजिशन के जलसे हुए हैं, मुल्तान में हुआ, आपने 10 केस दाखिल किए, आप वहां अपना अपना अभी जो कल परसों रैली निकली उस पर आपने केस दाखिल किए, जो भी अपोजिशन का जलसा होता है उस पर आप केस दाखिल करते हो। लेकिन उसी तरीके से और उसी तरह के लोग और उसी एरिया में केस जलसे हो रहे होते हैं, और वो जो आप गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं या आपके इतादियों की तरफ से होते हैं या फिर आपके अगेंस्ट जो नहीं या फिर अपोजिशन के जमात या पीडीएम के साथ नहीं होते, उन पर आपको केस दाखिल नहीं होते। मैं ये समझता हूं कि जो जिस तरह ये मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है और जिस तरह लोगों के साथ धोखे कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, इसी यही वो गवर्नमेंट थी जब वो बातें करते थे। लेकिन जब अभी हुकूमत में है तो इन्होंने इदारों के दिवालिये निकाल दिए हैं, इदारों को मुतनाजा किया है। वो इदारे जिन पर कभी कोई बात नहीं करता था, और वो मैं आपको अपनी पार्टी की बताऊं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को पूरी दुनिया जानती है कि जुडिशरी के थ्रू उनको शहीद किया गया, पूरी दुनिया जानती है, खुद जज वो किताब लिख चुके हैं। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुडिशरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक वफाकी वजीर कानून, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जज पागल है। हुकूमत कह रही है किसके खिलाफ, कि हुकूमती अदालतों के खिलाफ। तो ये जिस तरह इन्होंने इदारों को मुतनाजा बनाया है, जिस तरह इदारों के खिलाफ इन्होंने दिवालिया निकाला इदारों का, इससे पहले कभी इदारों पर इस तरह डिस्कस नहीं हुआ। ये इदारों के पीछे छुपते हैं, ये कभी इसके अपना कोविड के पीछे छुपते हैं, इनको हम छुपने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि आप संजीदा नहीं है, आप सिर्फ अपनी चोरी अपना जो ये कर रहे हैं, ये खुद कहते हैं कि हाँ माफिया ने लूट के ले गए, ईमान वो खुद बड़ा इमरान खान बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे माफिया हैं, और इमरान खान कहता है कि मुझे पता है कि कौन माफिया है लेकिन मैं उसके नाम नहीं बता सकता। और फिर जब वो एक मीडिया में लीक हो जाती है एक रिपोर्ट, तो उसके बाद फिर रिपोर्ट शो भी हो जाती है और रिपोर्ट में आ भी जाता है कि हाँ इन्होंने चोरी की, लेकिन उनको उनकी प्रमोशन बढ़ जाती है। जिसने 400 गुना दवाई की कीमत बढ़ाई और चोरी हुई, उसकी प्रमोशन होकर दूसरी वजारत उसको मिल गई। जो इनके साथी थे, जो इनके ATM थे, वो सारे सेफ हैं, उन सबको NRO दिया। और जब हलीमा बाजी का आया, भाई सिलाई मशीन से उसने करोड़ों रुपए अरबों रुपए बना लिए, कोई बात नहीं, एक स्पेशल असिस्टेंट है वो कहता है जिसकी तनख्वाह तो थोड़ी सी थी लेकिन अरबों रुपए बन गए, वो आपके कहता है स्टेटमेंट देता है कि हाँ मेरे अरबों रुपए बनाए मैंने, तो इमरान खान कहता है अच्छा तुम ठीक कह रहे हो, तुम सच्चे हो ना, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम जाओ। लेकिन इसी तरह मुझे बताएं कि जब टारगेटेड होता है, अब मुझे सबको इन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, जो सबक वजीर आजम थे, एक मीडिया हाउस का बंदा जो 34 साल पुराने केस में आपने 7 महीने जेल में रखा, क्या निकला है मुझे बताएं। तो ये इंतकामी आग में इतने वो हो गए हैं, आगे चल निकल गए हैं कि आगे इनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब जमीन से पूछे ये जो बता रहे हैं कि इतने अच्छे अहदाफ हो गए, जीडीपी ग्रोथ आप देख रहे ना, जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की तारीख में कभी मनफी में नहीं गई है, अभी जा रहे हैं ना मनफी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मुझे बता दें कि कहां पहुंचा है, तो वो कह रहे हैं कि जी देखिए हमारी कामयाबी है ना कि ये मौसूफ हमारे मुखालिफ
होने के बावजूद बोलते हैं खान साहब ईमानदार हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप पे बच्चा बच्चा बोलता है। नहीं मैं ये मैं तंजिया कह रहा हूँ, मैं तंजिया कह रहा हूँ कि अगर वो ईमानदार है, इमरान खान साहब वज़ीरे आज़म को पाकिस्तान के दुनिया भर में इस बात को क्रेडिट जाता है, तमाम दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान में पहली दफा ईमानदार एक वज़ीरे आज़म आए। और दूसरी पाकिस्तान के लिए काम करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की साफी की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल साफत में इंटरनेशनल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब के लिए दुनिया भर एक खराज तस्लीम पेश करती है कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ईमानदार वज़ीरे आज़म आया हुआ है। अब ये बात ये भी तस्लीम करते हैं उनकी इर्द गिर्द एक एक वो एक वो किस्सा मशहूर है, ये कहानी हमारा ये हम देहाती लोग हैं, देहाती लोग हैं तो रात को देहात में बैठ के किस्से सुनाए जाते थे ना किसी जमाने में, तो एक कहानी बड़ी मशहूर सुनाई जाती थी कि एक डाकू था, उसका पूरा गिरोह था ना, तो वो डाकुओं का जो सरदार था वो बड़ा चोर, वो बड़ा ईमानदार था, वो ना किसी को मारता था, ना वो खुद चोरी करने जाता था, ना वो अपने हाथ से कुछ लेता था, तो बाकी जो उनके उनके ग्रुप में थे उन सबको वो सिर्फ पनाह देता था और कुछ भी नहीं करता था, बड़ा ईमानदार था, एक रुपया भी इस्तेमाल नहीं करता था। तो फिर किसी ने पूछा कि उसका गुजारा कैसे होता है, कह रहा जो जो उनके साथ है ना लोग वो इनका सारा खर्चा उठाते हैं, बाकी खुद बड़ा ईमानदार है, वो अपने हाथ से कुछ ना किसी हाथ लगाता है ना वो क्राइम करता है। एक कहानी नहीं, मैं आपको बात बताऊं, देखें दूसरी जो बात आप कर रहे थे ना कि वो अपोजिशन जो जो लीडरान के हवाले क्यों किया गया इस्तीफा, मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपनी पार्टी बेसिस पे और पार्टी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा जाता है, ठीक है, तो इलेक्शन लड़ा जाता है और टिकट पार्टी देती है, और जो पार्टी का कायद होता है डेमोक्रेसी में भी यही होता है, डिसिप्लिन के अंदर भी यही होता है। तो फिर वो बात सही है कि आप अपनी पार्टी कायद की बात मानते हैं, सारी चीजें लीडरशिप के मैनिफेस्टो पे चलेंगे, बट पॉइंट इज ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब असेंबली का कोई भी मेंबर चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, अगर उसने इस्तीफा देना है और उसको एक्सेप्ट कराना है और हकीकतन वाकईतन उसने देना है तो फिर वो जाहिर सी बात है। मैं आपको उसका सिंपल जवाब ये है कि ये जो इस्तीफा होगा ये इज्तमाई होगा, वो सारे इकट्ठे होंगे, इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने, और ये इज्तमाई इस्तीफा होगा, ये तय हुआ है। आपको पता कि कौन सी खबर जो है वो दो कालमी लगानी है, कौन सी हेडलाइन लगानी है, कौन सी, तो ये जो सियासी कायदीन होते हैं, सियासी कायदीन जो होते हैं वो फैसला करते हैं किस वक्त क्या फैसला करना है। वाकई लग रहा है अगर इनको हम तो बोलते हैं खुशी है, मैं तो हम तो चाहते जाए ना, हम तो रोकेंगे नहीं ना, हम तो बोलते जाए, लेकिन जाने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक धमकी आमेज वो है। अगर रिजाइन देने के लिए जितने सीरियस होंगे, मेरे भाई को बात बुरी लग गई, मेरे कहने का मकसद ये है कि आगा सराज दुरानी स्पीकर बाद में, पीपल्स पार्टी के अरकान पहले, जब वो कहाँ देंगे, ये कानूनी आईनी मसला आता चले, अब वो हम तो चाहते रिजाइन दें चाहे जहाँ भी दें, पहले कहा कि वो गवर्नर के पास में, गवर्नर के पास ये कानून नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं है, कहाँ जाएंगे, मतलब रिजाइन तो देना पड़ेगा ना उनको, तो रिजाइन कहाँ जाएंगे, स्पीकर रहता है जब तक अच्छा रिजाइन, अच्छा चलिए आईनी बहस हो जाएगी, आईनी बहस हो जाएगी, वो खुद अपने आप को रिजाइन दे देगा और खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा इनके बाबा को, चले बात जो अच्छी तरह जानते, लेकिन कोई नहीं होने वाला। ये सिंध गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से इनको मिली है, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है बरसर इतना तो ये लोग जी रहे हैं, जिस दिन इनकी हुकूमत चलेगी इनके रोटी पानी बंद हो जाएगा, ये ब्लाउ लॉज इतना जो बड़ा बना दिया है, जो इनके इनके जलसों की हालत तो ये बात करते हैं, लास्ट टाइम भी पैसे देखे तो लोग लेके आते, पूरा मशहूर एक साफी बेचारा मर भी गया, जितने जो ट्रेन मार्च चली थी 2000 लोग रुपये लेकर दिहाड़ी भी लोगों को लेकर आते हैं, तो ये जो दिहाड़ी चल रही है, ये जो पैसा चल रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट का होता है, तो भाई ये कभी भी अगेन नहीं, ये एलिगेशन है, इसको फिर प्रूफ भी करना चाहिए आप लोगों को, नहीं, पैसा दिहाड़ी, मतलब ये जो पैसा हो गया, पैसा इनका रोटी पानी चल रही है, ये इम्पॉसिबल है, बल्कि दे दे, हम तो बोलते हैं अल्लाह करे दे, रास्ते में एक और न्यूज मैंने पढ़ी है, अल्लाह करे दे, वो जो साउंड सिस्टम इनका चलाता था इमरान खान साहब, वो मैं भी आ रही थी, डीजे बट जो है वो उसकी भी एफआईआर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डीजे बट को भी, डीजे बट जिसके लिए इमरान खान ने स्पीच में बार बार और डेढ़ घंटे का भाषण दिया था कि डीजे भट्ट का क्या कसूर है, वो तो अपनी रोजी कमा रहा है, वो तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर, देखो जी कयामत आ गई। हाँ। और आज उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई, बेचारा अगर वो
अगर वो उस तरफ चला जाए तो भी मौत है, उस तरफ चला जाए मौत है, ये नया पाकिस्तान, अजीब नया पाकिस्तान है भाई, हमारी तौबा है खुदा की। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया वीजी कोहली साहब आपको, मोहम्मद शबीर साहब आपका, दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। आखिरकार अगेन वही सारी चीज़ें सामने हैं, 2014 में जो हम देख रहे थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त की अपोजिशन आज हुकूमत में है और आज की हुकूमत उस तक अपोजिशन में थी। बहरहाल जी उससे अभी तक कुछ सीखा नहीं सीखा हमारे सियासतदानों ने, ये तो आवाम हमारे बेहतर बता सकते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान दस एफ को दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।